अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अपनी एक प्रीमियम साइट और जो डिज़ाइनर हाउस हम बना रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर सेक्टर एच के अंदर, उसकी छत के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और इधर आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर के कंक्रीट स्लैब पोरिंग के बारे में बताएंगे, जो कि हम फर्स्ट फ्लोर की कर रहे हैं। ये बेसिकली हम पहले फ्लोर की छत जो है वो डाल रहे हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से, किस रेशो से कंक्रीट डाली जाती है और किस तरीके से जो है किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कंक्रीट की जो स्लैब पोरिंग है उसके वक्त। और इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर। आपने एंड तक वीडियो देखनी है और आपको तलहा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, हम आज आपको फर्स्ट फ्लोर की कंक्रीट पोरिंग दिखा रहे हैं। स्लैब डल रही है फर्स्ट फ्लोर की, जो कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 6 इंच है, 1:2:4 का इसका कंक्रीट का रेशो है। 1:2:4 का हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं उन खवातीन हज़रात के लिए जिन्होंने पहले हमारी कंक्रीट की वीडियोज़ नहीं देखी हुई। 1:2:4 का रेशो जो होता है वो इस तरह होता है कि 1 पोर्शन सीमेंट, 2 पोर्शन ऑफ सैंड, 4 पोर्शन ऑफ बजरी क्रश जो होता है आपका। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर की ये छत है, इसमें छत के अंदर जो होता है इस तरह होता है कि जो आपके बड़े स्पैन होते हैं, जो ज़रा जिनके बीच में कोई पिलर नहीं होता या जो छत थोड़ी सी बड़ी होती है, वहाँ पे आपका डबल जाल आता है। जो छोटा स्पैन होता है, जहाँ पे आपका स्पैन बड़ा नहीं होता, कमरे छोटे हैं, वहाँ पे नॉर्मली आपका सिंगल जाल आ रहा होता है। जैसा कि अभी हम आपको साथ में शॉर्ट्स में दिखाएंगे भी कि इस छत के ऊपर जो है कहाँ पर डबल जाल है, कहाँ पर सिंगल जाल है, जहाँ पर सिंगल जाल है वहाँ पे एजेस के ऊपर जो है ओवरलैप दिया होता है। दूसरा ये कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप देख रहे हैं एजेस जो है यहाँ पे ये डबल मैश है, ठीक है, नीचे भी है ये सरिया, ऊपर भी है, एजेस को सपोर्ट देने के लिए। इनके बीच में आप जैसा कि देख रहे हैं एक यू बैंड होता है या एक सीट जैसे कहते हैं हम लोग लोकल ज़ुबान में, सीट दी जाती ताकि ये बिल्कुल जुड़े ना। जब इसके ऊपर कंक्रीट हो, जाहिर सी बात है मज़दूर इसके ऊपर चलेंगे भी तो ये दबे ना। और जैसे कि आपके नज़र आ रहा है ये मार्बल के पीसेज हैं जो बीच बीच में इस तरह सेट किए जाते हैं कि बिल्कुल ही ये जो है आपका सरिया जो है सेंटर में रहे कंक्रीट के, बजाय इसे कि बिल्कुल ही नीचे जाने के, ठीक है, क्योंकि सेंटर में होना ज़रूरी है, 1-2 इंच ऊपर होगा तभी क्या कहते हैं प्रॉपर इसका जो मकसद है वो पूरा होता है। आप साथ साथ देख रहे हैं कि कंडक्ट पाइप्स हैं, इनको भी इसी तरह सेट किया गया है ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि एक दफ़ा कंक्रीट होगी दोबारा बीच में पाइप डालना जो है नामुमकिन हो जाता है। ये बॉक्सेस हैं और ये आपके पाइप्स जो हैं इस तरह सेट किए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको साथ में अभी दूसरी जगह दिखाएंगे जहाँ पे बड़ी छत है और वहाँ पे इन्होंने डबल जाल दिया हुआ है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की चीज़ों की, यही 3-4 इंटीग्रिटीज़ होती हैं। सरिया आपका तरीके से सेट हुआ हो, सरिया आपका अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो, कंक्रीट आपकी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो, पाइप्स आपके जो हैं किसी प्रॉपर कारीगर बंदे ने सेट किए हुए हों, कोई न्यूबी ना हो जिसको अपना काम ना आता हो, ऐसा कोई बंदा ना हो, इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ठीक रहती हैं। बाद के मसले मसाइल जो बाद में चीज़ों को सेट करने में जो आपके टाइम और पैसा लगेगा वो बचता है इन चीज़ों से, और आपके स्ट्रक्चर की मजबूती भी जो है, या मजबूती से ज़्यादा यूँ कह लें कि बाद में तोड़ फोड़ वाले मामला आपके आगे नहीं आते। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। कंक्रीट आपकी जो होती है, आपका जो है आपकी बाइबल जो है वो आपकी ड्राइंग है, आपने अपनी ड्राइंग टू द लेटर फॉलो करनी है, ठीक है जी। जो सरिया लिखा हुआ है, जिस डिज़ाइन पे, जिस तरह से लिखा हुआ है, आपने उसको फॉलो करना है। कंक्रीट का आपका जो रेशो है आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है। बचत इसमें इतनी कोई ख़ास होती नहीं, नॉर्मली जो करते भी हैं इसके अंदर क्या कितना कोई आगे पीछे करने का हेर फेर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती हैं। दूसरा, जब इसके ऊपर 6 इंच लिखा होता है, 6 इंच कंक्रीट है, इसको चेक करने के लिए जो है वो प्रॉपर पूरा चेक करके कि जनाब 6 इंच पूरी हुई है नहीं हुई, किसी नुक्कड़ क्रैनी में कोई वो तो नहीं रह गया, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर से चेक करके बंद किया जाता है। दूसरा, कंक्रीट को सेटल करने के लिए इसके ऊपर वाइब्रेटर लगाया जाता है ताकि कोई बीच में एयर पॉकेट्स ना रह जाएं, हनीकॉमिंग ना आए, कहीं पे कोई एयर पॉकेट्स रहेंगी जाहिर सी बात है वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंक्रीट जो होती है उसकी उस तरह स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम आइंदा भी आपके आगे हाज़िर होते रहेंगे इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख के उसे बताएं। आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई बात आप हमारी रहनुमाई करना चाहते हो। शुक्रिया ख़वातीन हज़रात।